नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, जब से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने हैं और उनके हाथ में स्वास्थ्य विभाग आया है, तब से लगातार बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर आए दिन बड़ी बड़ी खबरें आते रहती हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग को अच्छा करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। आप तस्वीरें भी आए दिन देखते रहते होंगे किस तरीके से तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को अच्छा करने और बिहार को और भी ज़्यादा विकास करने के लिए, खास करके स्वास्थ्य विभाग में विकास करने के लिए, वो खुद अस्पताल पहुँचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं, वहाँ पर मरीज जो से बात करते हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देखते होंगे किस तरीके से वो अचानक देर रात अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद वो डॉक्टरों से मिलते हैं, किस तरीके से अस्पताल में मरीजों की देखरेख की जा रही है, किस तरीके से मरीजों का हाल वहां रखा जा रहा है, वो सब कुछ खुद ही इसका जाकर जायजा लेते हैं। तो विकास करने के लिए तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग पर काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि राज्य का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का जो अस्पताल है वो बनने जा रहा है। जी हाँ, 400 बेड का ये अस्पताल होने जा रहा है, जिसके बाद बिहार के लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में वो विकास कर रहे हैं, इसको लेकर मन में कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशी नजर आएगी। राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हड्डी अस्पताल में एक और 400 बेड का हड्डी और स्पाइन अस्पताल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। तीसरी बार से इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई है। इससे पहले दो टेंडर हुआ था, जहां कुछ गड़बड़ी की वजह से एजेंसी फाइल नहीं हो पाई थी। अब निर्माण एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हो गया है और अप्रैल से निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण पर अब 2 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण कार्य में 2 साल के अंदर पूरा होगा। एजेंसी इसका निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हाल में पूरा करेगी। राज्य का यह पहला और देश का दूसरा 400 बेड का सिर्फ हड्डी और स्पाइन का अस्पताल होगा। गुड़गांव में 400 से अधिक बेड वाला एक हॉस्पिटल है, जहां सिर्फ हड्डी और स्पाइन की इलाज की सुविधा होती है। पुराना भवन प्रशासनिक भवन में तब्दील हो जाएगा, बाकी सारी सुविधाएं नए भवन में मिलेगी। इसमें 400 बेड के अस्पताल में हड्डी और स्पाइन से संबंधित जांच और इलाज की सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मरीजों को मिलेगी। मरीज को हड्डी से संबंधित इलाज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। सारी सुविधाएं यहां निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। नए अस्पताल में 3,29,591 वर्ग फीट में होगा। यहां मॉड्यूल ओटी होगा, सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, डिजिटल एक्सरे मशीन होगी, साथ ही साथ एमआरआई, मेमोग्राफी समेत फिजियोथेरेपी के लिए आधुनिक उपकरण जैसे शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी आदि की व्यवस्था होगी। भवन निर्माण कैंपस में उपलब्ध जमीन पर ही होगा। साथ ही कार्य प्रारंभ के बाद पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जाएगी। संबंधित कार्य की किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा है, ये पूर्व में नहीं कराया गया है। वहीं हम आपको बताते चलें, कार्य का संगठन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। वहीं LNJP हड्डी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद का कहना है कि हड्डी संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को जांच और इलाज के लिए सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। राज्य के मरीजों को एक छत के नीचे हड्डी रोगी से संबंधित तमाम सुविधा निःशुल्क मिलेगी, इलाज के लिए मरीजों का भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं आपको हम बताते चलें कि इस टेंडर फाइल हो जाने की पुष्टि हो गई है। वहीं 2 महीने के अंदर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। 2 साल के अंदर एजेंसी को प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। तो जहां अब लोगों को हड्डी की इलाज के लिए कहीं दर दर भटकना नहीं होगा, अब वो एक ही अस्पताल में अपनी हड्डी की इलाज करा सकते हैं। जहां 400 बेड का हड्डी की जो ये अस्पताल बनाई जा रही है, पहला अस्पताल जो है वो दिल्ली में बनी हुई है, दूसरा अस्पताल बनने जा रहा है। ये हमारे बिहार राज्य के लिए पहला और देश का दूसरा इतना बड़ा हड्डी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनने जा रहा है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन। धन्यवाद।